हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 45 एंड 46 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। क्योंकि मैं कल 45 नंबर श्लोक का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज 45 और 46 नंबर श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा इन्वोकेशन हरे कृष्णा महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 45 नंबर श्लोक। यदि मम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपानया धातराष्टारणे हन्युं तन्मे क्षेम तरम भवेत। तो इस श्लोक का जो वर्ड का मीनिंग है हिंदी में, मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे, तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। तो क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार जो निहत्ता है, जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वो युद्ध नहीं करेगा। तो अर्जुन ये कह रहा है कि भले ही शत्रु मुझ पर आक्रमण कर दे, मेरे पास शस्त्र नहीं होगा, और तब अगर शस्त्र मतलब वो विरोधी दल मुझ पर आक्रमण कर दे, तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध करने के लिए कितना उद्दत है। उसने वो ये नहीं सोच रहा था कि जो दूसरा दल है दुर्योधन का दल, वो कितना उद्दत है युद्ध करने के लिए। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। ये जो अर्जुन का के लक्षण है, ये इतना दया भाव, तो ये किस वजह से? क्योंकि वो अर्जुन परम भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण के परम भक्त है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 46 नंबर श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन सखे रथोपस्थ उपाविशद विसिज्य संशरम चापम शोक संविभ्रमानसः। तो इसका भी जो वर्ड का मीनिंग होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप पढ़ लेना। तो उसके बाद संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा वान एक और रख दिया और शोक सत्पत चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इसका तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन पर रथ पर दरवाजा बंद कर दे। इसका तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना सतपत हो उठा कि वो अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। तो जब अर्जुन पहले युद्ध के मैदान में आया था, तब वो खड़ा हुआ था अपने रथ पर अब वो क्या हुआ, अब वो शोक से रथ पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो अर्जुन जैसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है या फिर हो, वो क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य कौन है?
जो भगवान की सेवा में रत होते हैं जो लोग। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आगे शुरू होगा अध्याय दो। हरे कृष्णा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू भगवद गीता एंड यू हैव एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली हेल्प यू। हरे कृष्णा।